हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में भले चंगे होंगे, बहुत सब ठीक होंगे। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा माड़ीवाला की तरफ, क्योंकि मुझे साग और मतलब साग, सरसों का साग खाने का बहुत मन कर रहा है। और यहाँ पर कुछ मतलब ना बथुआ मिल रहा है ना साग मिल रहा है, तो हमने सोचा वहाँ माड़ीवाला में मंडी है, सब्जी मंडी, वहाँ जाके ट्राई करते हैं। और मैंने पहन लिया है जैकेट। दिस इज़ नॉट जैकेट, दिस इज़ लाइक श्रग, ठीक है, पतला सा श्रग है, क्योंकि बहुत मतलब ठंडा मौसम हो रहा है। तो देखते हैं। और ले लिया है मैंने मास्क, क्योंकि अब जा रहे हैं टू व्हीलर पे, एक्टिवा पे जा रहे हैं, तो मास्क बहुत ज़रूरी है। और चलो मिलते हैं, आपको भी दिखाऊंगी जो वहाँ की सब्जी मंडी है। और आई होप, मुझे उम्मीद है, उम्मीद करती हूँ कि मुझे मिल जाए वहाँ पर, फिर मैं अच्छे से आज रात को साग बना के खा लूँ। तो चलो मिलते हैं, मैं आपको वहीं पर, अभी निकल रहे हैं हम लोग। तो जी, थोड़े धूप के दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। फाइनली साग जो सब कुछ मिल चुका है, और अब मैं सोच रही हूँ शलगम कहाँ है, देख के आती हूँ है या नहीं आती। 2 hours later गए घर, और जो सरसों है और बथुआ सब मिल चुका है। और मैं सोचू साग का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, रेसिपी शेयर कर देती हूँ इंस्टेंट, जो भी बनाने वाली हूँ। और बस अभी चेंज कर लेती हूँ, थोड़ी देर में स्टार्ट करती हूँ साग बनाना, और इंस्टेंट ही बनाऊँगी, इंस्टेंट वाला ही बनाऊँगी, जल्दी वाला जल्दी बन जाए। और बस अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो जी, मैं ले आई थी ये, मैंने 2 बथुआ ले लिया है, बथुए का एक गठल मैं गट्टी ली है, और 2 मैंने ले लिए सरसों और 1 पालक, 1 पालक, 2 सरसों की गट्ठी और 1 बथुआ, ये सब डाल के मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से इनको पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काटूँगी इसको। तो मैंने यहाँ पर पूरा इकट्ठा काट लिया और एक साथ ही रख दिए धो के। अब मैं इसको डालूँगी कुकर में, के बाद ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चा ये हम डालेंगे, और नमक और थोड़ा हल्का सा पानी डाल देंगे जी, नमक एंड हल्का सा पानी डाल दूंगी, और इसको लगा देंगे लिड। We'll be right back.
साग बन चुका है और ये बन रही है जी मक्की की रोटी यहाँ पर, और बस ये दो और रह गए। और मैंने सोचा कि मैं गाजर पाक भी साथ में रख दूँ, गर्म हो जाएगा। ये चिमनी को पहले बंद करती हूँ। तो बस ये बनने वाली। Later that same evening. तो जी साग बन चुका है, मक्की की रोटी बन चुकी है और मैंने सबको दे दिया है। और मैं भी सोचूँ एक तो खा ही लेती हूँ यार, ठीक है ना। और उसके बाद जाएंगे वॉक पर। और यही था जी इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितिका शाइन। और ये सर्दी का जो फर्स्ट मैंने गाजर पाक बनाया था, मक्की की रोटी साग बनाया था, भगवान जी को भोग लगा दिया था मैंने। और कुछ भी नया बनाती हूँ जब सीजनल कुछ नया होता है तो मैं हमेशा भोग लगाती हूँ। तो यही गाइज इस वीडियो में है ये इतना ही। चलो मिलती हूँ मैं कल एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय गाइज।